जल्द होगा लल्लू भाई कंपाउंड में टीन एवं शेड एवं ग्रिल का निर्माण। शिव क्रांति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भूमि पूजन। मुंबई मालखुर्द लल्लू भाई कंपाउंड शिव क्रांति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में टीन शेड एवं ग्रिल कार्य का निर्माण होना था, जिसके चलते माननीय खासदार निधि के माध्यम से जल्द होगा कार्य गया भूमि पूजन। खासदार मनोज कोटक जी भूमि पूजन करने आएंगे, ऐसी थी चर्चा। खासदार जी के न आने पर जनता व कार्यकर्ता हुए दुखी। आप देख रहे हैं वीएसटी न्यूज 24, मैं आसिफ अली, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। किस तरह से था और किन लोग के हाथों होना था? आज जो शेड का ये उद्घाटन हुआ है, ये हमारे हरदिल अजीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मनोज कोटक जी के हाथों से होना था, लेकिन वो आज शाम को 5 बजे से मानपुर विधानसभा में ही थे। आज काफ़ी जगह पर हमारे का उद्घाटन हुए हैं, नमुनियाबाग में, शिवनेरी, महाड़ा, कई बिल्डिंगों में और यहाँ पर भी था, लेकिन कुछ बहुत ही अर्जेंट काम आने की वजह से खासदार जी यहाँ नहीं पहुँच पाए। देखिए, वो ऐसा नहीं है, आप कभी कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, और मैं यहाँ पर शाम से आप देख रहे हैं लगातार आप लोगों का भी हमने स्वागत किया है। आज पत्रकार लोगों का पत्रकार दिवस है, आप सबको भी शुभकामनाएं खासदार जी ने भी दी है। मैडम, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक आने के बाद ऐसा काम किया जा रहा है आपको? ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। अभी इससे पहले भी लल्लू भाई में सामने की पूरी बिल्डिंग का हमारे खासदार जी के फंड से पूरा काम हुआ है, और अनेक इलाके में पूरे विधानसभा में आप कितने काम चाहिए उतने मैं काम गिना दूँ, उतने काम हो रहे हैं। ये आज इलेक्शन की वजह से नहीं है, ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है काम, और हमारे खासदार जो है वो नगर सेवक से खासदार बने हैं, उनको हमेशा से काम करने का जज्बा रहा है, तभी आज नगर सेवक से खासदार बने और वो होंगे। जैसे कि अभी जितेंद्र अवार्ड ने एक बयान दिया था, और उसके लिए क्या कहते हैं? जितेंद्र अवार्ड जो है वो पागल हो गए हैं। अब क्या है कि उनका दिन अब ख़त्म हो गया है, इसके लिए वो कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ करते, कभी महिलाओं को धक्का देने का काम करते हैं, तो कभी कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, लोगों की भावनाओं को खेत पहुंचाते रहते हैं। ये उनके जाने का दिन आ गया है। जब क्या होता है, दीपक की लौ बुझने वाली होती है ना, तो वो बहुत ऐसे ऐसे करती है। मैडम, आपने कहा कि देश में जो है आज विकास की लहर चल रही है, लेकिन देखा जाए कि हमारे इस क्षेत्र में 8वीं के बाद छात्र छात्राएं शिक्षा के लिए, गरीब छात्र छात्राएं शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं कई बीएमसी स्कूलों में भी अब 10वीं तक की पढ़ाई शुरू हो गई है, और उसके अलावा भी अब ये आगे का भी प्रोसीजर शुरू हो गया है कि अब जो बीएमसी स्कूल है ये सारी स्कूल 10वीं तक हो जाना चाहिए, और इसके बाद में भी अब कॉलेज वगैरह के लिए भी आगे का काम शुरू हो गया है। शिव क्रांति सोसाइटी के चेयरमैन श्री शिंदे जी और सेक्रेटरी यादव जी और ट्रेजरर पोकले साहब, वो मुझे काटे जी, वो मुझे आकर मिले और उन्होंने बोला था मुझे कि हमारी सोसाइटी में जो खाली जगह है वो हम वहाँ पर हमें सेट बनाकर चाहिए और स्टेज। तो मैंने उनका प्रस्ताव खासदार साहब के पास दिया, और खासदार साहब ने उनका प्रपोजल मान्य करते हुए मुझे बोला कि उनका बहुत जल्दी अपन काम का उद्घाटन करेंगे। उसी की हिसाब से आज डेट रखी गई और उनका उद्घाटन हमने किया है, और खासदार साहब ये काम कंप्लीट होने के बाद उसका इनॉग्रेशन करने के लिए वो खुद आएंगे। कहना है कि जब इलेक्शन आया है तब खासदार जी को याद आया है, आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपकी सोसाइटी के लोग मुझे अभी 15 दिन पहले ही मिले थे, तो मैं तो इस बात को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं पूरी विधानसभा में आज तक जितने काम किए हैं उस बहुत अच्छे से मैंने करवाए सबके। आप भी मुझे मिले, अभी 1 महीने हुआ था और आपका काम स्टार्ट हो गया, कल से काम चालू हो जाएगा। शिवाजीनगर में आप विधानसभा अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पे नशा चरम सीमा पे, आपने इसके लिए क्या आवाज़? देखिए, मानखुर्द में सबसे ज़्यादा नशे का व्यापार होता है, मुझे अच्छे से मालूम है, और हम जिस एरिया में खड़े इसके 8 बिल्डिंग के अंदर तो पूरे मानखुर्द शिवाजीनगर की सबसे बड़ी ड्रग सप्लाई का धंधा होता है। मैंने उसके खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ होता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। क्यों? क्योंकि सब ले दे के मिले हुए रहते हैं, हम कहाँ तक आवाज़ उठाएं, मतलब हम ही थक जाते हैं। और यहाँ पे SMS कंपनी की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके आपकी ओर से क्या कहना है? देखिए, SMS कंपनी के खिलाफ हमने पहले ही 4 साल पहले से, हमने साहब का जीतने के बाद उनका समारोह लगाया था, उसी वक्त साहब ने बोला था कि हम SMS कंपनी बंद करा देंगे, और अभी ऑर्डर पास हुआ है कि 2 सालों के अंदर SMS कंपनी यहाँ बंद होकर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगी।
ये भाई इधर देखो, महाराज की जय, जोरदार तालियां उनके लिए। इसके बाद दत्ताजी सावडेकर।